शिल्पा राव ने एक बार बताया था कि जब वो 11th क्लास में थी तो स्कूल प्रिंसिपल ने उनसे कहा था कि तुम लड़की हो इसलिए कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर करियर बनाओ। ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और उन्होंने तुरंत स्कूल छोड़ दिया था और दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया था। इसके बाद पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने वहीं पर सिंगिंग की ट्रेनिंग ली और अब जो शिल्पा राव हैं वो आप सभी जानते हैं। तो बेसिकली ये हम आपको क्यों कह रहे हैं, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एबीपी नेटवर्क एक कॉन्सर्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करा रहा है रूट्स एंड रिदम्स नाम से। 19th of August को ये होगा IGI स्टेडियम दिल्ली में और इसमें आने वाले हैं बादशाह, पापोन और शिल्पा राव जैसे बड़े नाम। तो अगर आपको इस कॉन्सर्ट को मिस नहीं करना है तो अपनी टिकट्स बुक करा लीजिए। बुक माय शो पर टिकट्स अवेलेबल हैं और उसका लिंक आपको ENT लाइव के इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो सेक्शन में मिल जाएगा। शिल्पा को बचपन से ही गजल की शिक्षा दी गई। जमशेदपुर में रहते हुए स्कूल के दिनों में शिल्पा एक गायन मंडली से जुड़ी थी, वहां पर वो ट्रेनिंग करती थी। शुरुआत में उन्हें रॉक का शौक था, फिर धीरे धीरे उनके उम्र के साथ साथ उनका जो म्यूजिक टेस्ट था वो भी बदला। शिल्पा वैसे भी काफी डेयरिंग है, वो अकेले ट्रेवल करती है। 2016 में कोक स्टूडियो पाकिस्तान की ट्रिप जब थी, फाइनल हुई थी उनकी, तो उनके फादर ने कहा था मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन फिर उनको छुट्टी नहीं मिली इसलिए 7 दिन की वो ट्रिप वो अकेले करके आई थी। फिलहाल जो पठान का गाना था बेशरम रंग उन्होंने गाया था और इस गाने को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बाद शिल्पा ने आकर के सामने ये कहा था कि दीपिका इस गाने की जान है क्योंकि उन्होंने दीपिका के लिए सुभान अल्लाह या फिर सजदे में यूं ही झुकता हूं जैसे गाने गाए हैं। तो शिल्पा और दीपिका का भी अलग रिलेशन है और दीपिका को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डिफेंड किया था शिल्पा ने आकर के। अगर आपको शिल्पा की आवाज पसंद है और आपको शिल्पा का वो कॉन्सर्ट मिस नहीं करना है तो प्लीज क्या इंतजार किस बात का, टिकट्स बुक करा लीजिए ना, आपके लिए लिंक भी लगा रखा है हमने बायो सेक्शन में और देखते रहिए ENT लाइव।